तो दोस्तों आपको ई कंसल्टेंसी पे एनजीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जानकारी मिलती है एंड गवर्नमेंट की जितने भी लीगल रजिस्ट्रेशंस होते हैं, बिजनेस लाइसेंसेस होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, उसके बारे में सटीक जानकारी मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ई कंसल्टेंसी में। मैं हूं प्रकाश शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, जो हमारा नया करंट ईयर चालू हो गया है ना 1 अप्रैल से, उसमें कुछ नई योजनाएं हैं संस्थाओं के लिए, तो उनमें से एक की आज मैं बात करूंगा जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन के जयंती सेलिब्रेशन स्कीम के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक एनजीओ है, अब एनजीओ क्या होती है, एनजीओ आपकी सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है जो कि मिनिमम 2 साल पुरानी हो, ओके, मिनिमम 2 ईयर्स ओल्ड हो और नीति आयोग में रजिस्टर्ड हो और लास्ट 2 ईयर्स का ऑडिट रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल हो, तो आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। अब बेसिकली दोस्तों इसमें करना ये होता है कि जो हमारे महान संत, महान लोग हुए हैं, जैसे नामदेव हो गए, गुरु घासीदास हो गए, गुरु रविदास हो गए, संत कबीर हो गए, डॉक्टर अंबेडकर हो गए, ठीक है, तो ये जितने भी बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, इन सभी लोगों की बर्थ और डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हम लोगों को अपनी संस्था के माध्यम से करना होता है, जिससे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन है, इसकी एक ये बॉडी है, ठीक है, जो कि एनजीओस को फंडिंग प्रोवाइड करती है इन महान संतों की डेथ और बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। अब अगर आपकी संस्था में एक कॉलेज चल रहा है, अगर आपका कोई गवर्नमेंट UGC या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, तो आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप सिर्फ एक संस्था रन कर रहे हैं, जैसे सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी, और आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट के जो DM या DC हैं, उनके रिकमेंडेशन से आप इसको आवेदन कर पाएंगे। अब करना ये होगा आपको सबसे पहले कि आपको अपना एक प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करना होगा, जो कि ब्रीफ एक प्रोजेक्ट होगा, उसके साथ आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ है उसको फिल करना है, और बजट एस्टिमेट, कुछ सेल्फ सर्टिफिकेट्स वगैरह लगा करके DM से रिकमेंड करा के डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन जो कि न्यू दिल्ली में है वहाँ पर आपको सेंड कर देना है। अब यहाँ पे कुछ शर्तें ये हैं कि जो विभाग है वो कहता है कि मिनिमम जो भी आपकी जयंती आ रही है उसके 1 महीने पहले तक फाइल उनके यहाँ रिसीव हो जानी चाहिए, ओके, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। और आपकी स्क्रीन पर एक लिस्ट भी दिख रही होगी, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, जिसमें जो डिपार्टमेंट के द्वारा अप्रूव्ड जयंतियाँ हैं उनको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, जिसमें आपको फंडिंग 2 लाख रुपये तक की पर सेलिब्रेशन मिल जाती है, और अगर आपका कोई कॉलेज है तो आपको 5 लाख रुपये तक का अनुदान डिपार्टमेंट देता है। चलिए अब एक बार नज़र डाल लेते हैं जो कि डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस हैं उनके ऊपर। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दे रहा हूँ, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी आती है वहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ, जो भी गवर्नमेंट की योजनाएँ आती हैं, जो भी RFPs आती हैं, वहाँ पर आपको डायरेक्टली आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेंगी, तो उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एक फाउंडेशन है, उसका एक ऑफिशियल गजट आप ये देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो वेबसाइट थी ये 2022 में रिवाइज की गई है, ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें बदलाव किए गए हैं वो मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बताया अभी। तो जैसा कि ये जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मैंने आपको बताया कि जो बर्थ और डेथ एनिवर्सरी होती है हमारे ग्रेट सेंस की, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ नाम भी डिपार्टमेंट ने सजेस्ट किए हैं, जैसे संत कबीर, गुरु रविदास, गुरु घासीदास, चोखा मेला, नंदार, नारायण गुरु, नामदेव, लॉर्ड बुद्धा, महर्षि वाल्मीकि, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले, डॉक्टर अंबेडकर, अयान कली, डॉक्टर सांतोजी रामजी लाल और तुकाराम भाऊराव साठे, ये सब जैसे जो हमारे ग्रेट सन्स हैं, ठीक है, अब इन लोगों की जो बर्थ और डेथ एनिवर्सरीज हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये प्रोग्राम है। अब एलिजिबिलिटी में देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन 2 साल पुरानी हो और नीति आयोग में रजिस्टर्ड हो, ठीक है, और अगर NGO है तो DM या DC के थ्रू रिकमेंड होकर के प्रोजेक्ट प्रपोजल जाएगा, ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, और अगर कोई कॉलेज है या रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है तो वो विदाउट रिकमेंडेशन DM DC के विदाउट रिकमेंडेशन डायरेक्ट प्रपोजल सबमिट कर सकता है, और जो रजिस्टर्ड NGO है उसको देखिए 2 लाख रुपये
और जो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है या कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसे 5 लाख रुपए तक का ग्रांट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये गाइडलाइंस हैं जो कि डिपार्टमेंट ने दे रखी है। यहाँ पे देखिए प्रोसीजर भी बताया गया है कि एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल आइटम वाइज ब्रेकअप ऑफ ग्रांट अप्लाई, ठीक है, डिटेल्स ऑफ सच सेलिब्रेशंस, एनुअल रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स का, एक बॉन्ड भी देना है जिसमें वायलेशन ऑफ एनी कंडीशंस हो तो उससे रिलेटेड एक बॉन्ड भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड करना होगा और उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो प्रपोजल है वो बाय पोस्ट भेजना है, बाय हैंड दिए हुए प्रपोजल्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है और देखिए यहाँ पर ये बजट दे रखा है कि कितना परमिसिबल किया गया है। तो एनजीओस के लिए 2 लाख है और जो कॉलेज यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए 5 लाख रुपए तक का है। तो ये जो है, तो जो आप ये देख रहे हैं ये डिपार्टमेंट की ऑफिशियल गाइडलाइंस है। तो दोस्तों अगर आप ये प्रोजेक्ट हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं और प्रोफेशनली अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल बनावा के सबमिट करना चाहते हैं तो उसके लिए चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना होगा। दोस्तों अगर आप ये प्रोजेक्ट हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है और आपको सबसे ऊपर एक लिंक मिलेगा, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। और आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे इस योजना के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं, ठीक है, आप इनको चेक भी कर सकते हैं। और साइड में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम फिल कर देना है और एक ईमेल आईडी एंटर कर देनी है जो कि आपकी एक्टिव हो, एंड मोबाइल नंबर, और अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर डाल करके यहाँ पे पे कर सकते हैं। ये 4999 रुपीज़ प्रोजेक्ट मेकिंग चार्जेस है। आप जैसे ही यहाँ से पे पर क्लिक करेंगे आपकी ईमेल पर एक ईमेल रिसीव हो जाएगी एंड आपका जो प्रोजेक्ट मेकिंग वर्क है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड 1 to 2 डेज में आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल आपको आपकी ईमेल पर मिल जाएगा। जो प्रोजेक्ट है वो ऑफलाइन सबमिट होता है जो कि आप डीएम से रिकमेंड करा के प्रोजेक्ट प्रपोजल को डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करेंगे बाय पोस्ट। ओके, चलिए अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बायलॉज, एनजीओ का पैन कार्ड, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन की आईडी, ठीक है, लास्ट 2 ईयर्स की एनुअल रिपोर्ट्स, लास्ट 2 ईयर्स की बैलेंस शीट्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सब आपको डिपार्टमेंट में सबमिट करना होगा जो कि डिपार्टमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म मिनिस्ट्री ने प्रोवाइड किया है, डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किया है, उसको भी प्रॉपर फिल करना होगा और एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल आपको डिपार्टमेंट में सबमिट करना है। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही नए नए प्रोग्राम्स और एनजीओ से संबंधित जानकारी लेकर हम लोग ई कंसल्टेंसी पर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।